नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आज दिन भर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ खास रहा वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूं कहिए कि आज के दिन की जो टॉप 10 खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओखी तूफान की, जो कि अब महाराष्ट्र के इलाके को छोड़कर अब पहुंच चुका है गुजरात की तरफ। जी हाँ, तकरीबन ओखी तूफान से अगर देखें तो 39 मौतें हो चुकी हैं। सरकार ने अलर्ट जारी किया है, काम बहुत ज्यादा हो रहा है ओखी तूफान को लेकर। लेकिन महाराष्ट्र के लिए जहां अच्छी खबर है, वहां गुजरात के लिए थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि अब ओखी गुजरात की तरफ मूव कर चुका है, गुजरात की तरफ रुक कर चुका है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इसी ओखी तूफान की वजह से गुजरात की बहुत सारी जो रैलियां थी उन्हें स्थगित करना पड़ा है, उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा है। इसमें अमित शाह की भी रैली है, इसमें पीएम मोदी की भी रैली है, और इसमें राहुल गांधी के भी कई सारे कार्यक्रम थे, जिसे कि ओखी तूफान की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, हटाना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी, जो कि इन दिनों गुजरात में बहुत चर्चित नाम है, गुजरात चुनाव के बाद जो पटीदार समुदाय निकल कर आया था उसके आरक्षण को लेकर एक जो लड़ाई लड़ने की बात थी, एक पाटीदार समुदाय को लेकर जो आरक्षण की मांग थी, उसमें कई सारे नाम सामने आए। हार्दिक पटेल के अलावा जिग्नेश मेवानी एक ऐसा नाम थे जो सामने आए थे। कल उनके काफिले पर हमला हुआ है। हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब तक जो खबर हम तक पहुंची है उसके मुताबिक ये कि पुलिस अपनी जांच में जुटी है और ये हमलावर जिग्नेश मेवानी के पूरे काफिले पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कपिल सिब्बल कोर्ट में क्या करते हैं, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने यह बयान दिया है। इस बयान के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल का जो बयान था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अब शायद कांग्रेस किनारा करती दिख रही है। ये तथ्य हम मान सकते हैं इस बयान के बाद। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी पर हमलावर नजर आए। अमित शाह ने उनसे एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है कि क्या राहुल राम मंदिर पर सुनवाई नहीं चाहते। अमित शाह का ये हमला अगर आप देखें तो ये इस संदर्भ में है कि कपिल सिब्बल ने जो जिस तरीके का जो पक्ष अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, उसके बाद बीजेपी के खेमे को एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा मिल गया था। अब उस मुद्दे के बाद ये तय करना है कि कांग्रेस किस दिशा में जाती है, और इसी मुद्दे को उठाते हुए अमित शाह ने ज़बरदस्त खेल खेला है और उन्होंने राहुल गांधी से सीधे सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी ये बताएं कि वो राम मंदिर बनवाना नहीं चाहते या राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। कांग्रेस और राहुल गांधी इस पर रुख अपना साफ करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भारत से जुड़ी हुई खबर है, भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है। आपको बता दें कि स्वदेश निर्मित रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से लैस सुपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम आकाश है, उसका सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। जी हां, सफल परीक्षण किया जा चुका है। रक्षा सूत्र ये कह रहे हैं कि इसके साथ ही भारत ने किसी तरह की सतह से हवा में जो प्रहार करने वाले जो भी मिसाइल होती हैं, माफ कीजिएगा, हवा में प्रहार करने वाले जितने भी मिसाइल होते हैं उसमें अपनी जो दक्षता है उसको और ज़्यादा पुख्ता कर लिया है, उसको और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। तो भारत के सभी भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस सफल प्रक्षेपण के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की तरफ से ये खबर है। आपको बता दें कि NGT ने दिल्ली सरकार के सामने ये पक्ष रखने को कहा था कि आखिरकार प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है या क्या काम कर रही है। NGT ने जबरदस्त फटकार भी लगाई थी और यह भी कहा था कि प्लान्स ज्यादा जरूरी हैं, आप योजनाएं गिना रहे हैं लेकिन इसको अमल कैसे किया जाए, इस तरीके की कोई योजना आपके पास नजर नहीं आती। हालांकि आपको बता दें कि NGT के सामने दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और दिल्ली सरकार ने ऑड इवन की भी मांग NGT से की है कि ऑड इवन वो लागू करना चाहते हैं, जो कि दिल्ली में सामान्य तौर पर थी। कूड़ा जलाने आदि को लेकर जो जुर्माना है उसे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही 10 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उन्हें लेकर भी जिस तरीके की बात हो रही है कि उन्हें सड़कों से किस तरीके से हटाया जाए, और परली जलाने को लेकर जो दूसरे राज्य हैं, दिल्ली से सटे जो राज्य हैं उनको लेकर जो बातचीत थी उस पर भी दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा है। हालांकि NGT ने ये बात साफ कर दी है कि दिल्ली से सटे जो भी राज्य हैं उन्हें भी दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए
काम करना होगा, यानी दिल्ली का सहयोग करना होगा। आपको बता दें दिल्ली पिछले कई दिनों से भारी प्रदूषण से जूझ रही है और पिछले कुछ दिनों से भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाकों में प्रदूषण का इतना स्तर ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें बाबरी विध्वंस को आज हो चुके हैं 25 साल। जी हाँ, 25 साल बाबरी कांड को हो चुके हैं। राम मंदिर अयोध्या को लेकर लगातार जिस तरीके का विवाद सामने आ रहा था उसे लेकर 25 साल बीत चुके हैं। वैसे आमतौर पर अगर आप देखें तो 25 साल इस बवाल को हो चुके हैं, इस पर सियासत की ना जाने कितनी रोटियां सेकी गई हैं, लेकिन अयोध्या नगरी की अगर आप बात करेंगे तो अयोध्या नगरी आज भी गंगा जमुनी तहजीब के साथ बहुत ही शानदार अंदाज में अपना जीवन गुजर बसर वहां के लोग कर रहे हैं। वहां की सियासत, वहां को लेकर लोग सियासत चमकाते रहे हैं, लेकिन अयोध्या नगरी और रामलला का मंदिर अभी विवादों में है, या बाबरी विध्वंस जो भी जिस तरीके की घटनाएं हुई थी वो सारा बवाल अभी आज 25 साल बाद भी जस का तस ही है। तो चलिए, आज दिन भर की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल बेहतर हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।